शिशुपाल पर्वत चढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। हरियर हरियर हे पहाड़। गाइस तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट है। खड़ी चढ़ाई देख रहे हो, काफी बड़े बड़े रिक्स लेते रहते हैं भैया। बोलो मौका नहीं छोड़ते ना। हमें विकास भैया यहाँ तक लेके आए हैं। क्या गजब का दिख रहा है। हे गाइस वेलकम बैक व्लॉग्स रोड पे, फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आप लोग काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे शिशुपाल पर्वत का व्लॉग बनाइए कर। सराईपाली से लगभग 8 या 10 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन व्लॉग वगैरह काफी कुछ देखा हूँ, रील्स वगैरह, तो मुझे भी मन कर जाना तो बनता है। हमारे भिलाई से ये लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आज रात को कि मैं लाइट बहुत सारे लगा रखा हूँ, इसलिए लग नहीं रहा होगा। अभी टाइमिंग भी दिखा दूंगा। तो अभी 12:01 हो रहे हैं। हम लोग प्लान किए हैं अभी रात के 1 बजे के आसपास हम लोग निकल लेंगे। सुबह सुबह का जो नजारा होता है क्या ही कहने हैं, वही दिखाने के लिए अपन अभी रात को निकलने वाले हैं। तक कि मैं आप लोगों को बाय रूट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं कार से जा रहा हूँ। कार से ही मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं इतना लंबा जाने वाला हूँ। ये देखो रात के करेक्ट 12:00 बज रहे हैं, 20 अगस्त है, एकदम तैयार हूँ। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्योंकि मेरा आदत है 2:30-3 बजे के आसपास होना। सुबह सुबह ही नींद लगेगा मुझे। संतु भाई, मैं और कुणाल भाई, प्रकाश भाई, मतलब कि काफी कुछ लोग जा रहे हैं, आ जाएंगे मेरे घर के पास में, सभी से मैं मिला दूंगा। उनको हम लोग जाने वाले हैं। फिलहाल अभी हम वेट करते हैं क्योंकि अभी 1 घंटा का समय बचो। तो भाई लोग आ गए हैं, ये देखो इनकी गाड़ी। गाइस तो यहाँ पे डीजल डला रहे हैं भैया की ये गाड़ी है। ये देखो कुणाल भाई, भैया और ये भाई, और अंदर में प्रकाश भाई भी बैठे हुए हैं, बाकी उधर है संतु भाई। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ क्योंकि भाई मुझे ना थोड़ा सा उल्टी वगैरह हो जाता है, तो ब्रेक ले लेके चल रहे हैं हम लोग। और आगे कहीं अपन ढाबा देख चाय पियेंगे। अभी रात के 2:00 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं शिशुपाल पर्वत। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है वीडियो बनाने के लिए। अच्छी तरह में चाय की दुकान मिल ही गई रात को, तो अब भाई चाय की तलब मच गई है। सब चाय पियूं ना? सब पियेंगे, सब चाय का अलग। गाइस तो अभी सुबह के 6:30 हो रखे हैं। हम लोग यहाँ अरंग से होते हुए आए हैं, सराईपाली क्रॉस करते हुए। यहाँ पे आप लोगों को ये बोर्ड नजर आएगा राफेल करके, से आप लोगों को ये लिखा हुआ है छोईपाली। यहाँ से आप लोगों को अंदर जाना है लगभग 13-15 किलोमीटर। सामने में दिखेगा आप लोगों को पहाड़। ये देखो सामने में दिख रहा है पहाड़, तो यही है शिशुपाल पर्वत। गाइस तो अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। मेरे पीछे साइड में देख सकते हैं पहाड़, यही है शिशुपाल पर्वत। और आप लोगों को झरना भी शायद नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा होगा, जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है शिशुपाल फैमिली रेस्टोरेंट, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, ट्रैकिंग करना है भाई। गाइस तो ये रहा वाटरफॉल शिशुपाल पर्वत का। फिर 2 वाटरफॉल है, एक तो खैर दिख नहीं रहे हैं लेकिन एक दिख रहा है। अभी हम लोगों को इसके ऊपर जाने हैं। गाइस तो जहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता किए हैं वहाँ से हम लोग 100 मीटर के आसपास अपने को पैदल जाना पड़े। गाड़ी पार्किंग आगे साइड में, जिसका कॉस्ट है 50 रुपए, तो 50 रुपए अपना बच जाएगा। उसी 50 रुपए में अपन चाय नाश्ता भी कर लेंगे। हालांकि काफी लोग है, देख लो, सब शिशुपाल पर्वत चढ़ाई करने के लिए आए हुए। हरियर हरियर हे पहाड़। अभी हम जाबो। संतु भाई का तो अलग ही है भाई, अलग ही लेवल का है। बाकी देख लो सब तैयार है भाई शिशुपाल पर्वत चढ़ाई करने के लिए। द्विवेदी भैया झांक रहे हैं। द्विवेदी भैया देखो 360 डिग्री लेके। सही बात है द्विवेदी भाई, मिस यू, आप नहीं आए, बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, रो भी रहे। आपका एक सीट खाली जा रहा था। मेमोरी 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 कहीं याद की है, मेमोरी खत्म हो गया था, याद की है। मैं नहीं बोलूंगा, नो कमेंट। दुर्गा माता जी का मंदिर दिख रहा है यहाँ पे जस्ट बगल में। यहाँ से सामने से पार्किंग स्थल है, यहीं से अपने को चढ़ाई करना है। यहाँ पे देखो छोटा सा दुकान है, एक इस साइड में है, दूसरा इस साइड में है, और पार्किंग के लिए ये रास्ता गया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को समोसा भजिया मिल जाएंगे। पानी का बोतल जरूरी है, पानी का बोतल लेके चलिएगा क्योंकि ट्रैकिंग है, तो यहीं अंदर चलेंगे ट्रैकिंग के लिए। गाइस यहाँ से पानी बहते हुए आ रही है और काफी साफ पानी है ये। इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। दादा लोग कैसे पानी क्रॉस कर रहे हैं, चलो चलो, पानी मस्त बहते हुए। और ये मंगल भवन निर्माण करके लिखा हुआ गाढ़ा समाज, यहीं से चलना है। गाइस तो अभी हम लोग जहाँ पे दुकान थे वहाँ पे हमने अंकल से पूछा, तो अंकल जी बता रहे थे 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। देखते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई। अभी बहुत सारे लोग उतर के आ रहे थे, तो हमने पूछा कि कितना टाइम लग सकता है, तो बता रहे थे 1.5 से 1.75 घंटा तो लग ही जाएगा करके। गाइस ये देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, उसमें से एक जो रास्ता है ये लेके जाता है वाटरफॉल के लिए, ये जाता है पहाड़ के लिए। अपने को फिलहाल पहाड़ की ओर आगे बढ़ना है, ऊपर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। देखो भैया लोग सब जा रहे हैं शिशुपाल पर्वत।
इन्हीं के पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं। ऐसा पानी पाउच पकड़े हुए हैं हम, पानी का बोतल पकड़े हुए हैं, खाने पीने के लिए बिस्किट रखे हुए हैं, चॉकलेट रखे हुए हैं। पता नहीं ऊपर में दुकान होंगे भी कि नहीं होंगे, जो भी है फर्स्ट टाइम तो विजिट कर रहे हैं हम, पूरा दिखाएंगे आप सभी को। सब जा रहे हैं गाइस, तो यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट है। देखो भाई साहब काफी सारे लोग आए हुए हैं शिशुपाल पर्वत देखते हुए चलना है। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट है। महादेव, काफी बड़े बड़े चट्टाने हैं भाई, पत्थर ही पत्थर है। खरगोश के चाल वाले में ना घुमा के बैठ जाती। ये देखो पूरे घनघोर जंगल है, लेकिन भाई चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, काफी बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर है भाई। तो कभी भी आप आते हो तो जूते जरूर पहनिएगा। ये देखो इस तरह से जूते इस जंगल में ना 1.5 किलोमीटर भी 3-4 किलोमीटर के बराबर है। और प्रॉपर यहाँ पे रोड वगैरह है ही नहीं, पूरे पत्थर वाली रूट है जिसको क्रॉस करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। कैसे चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं सब, लोही वाले रास्ते से होते हुए आ रहे हैं, रास्ता और बचा हुआ है। कुछ लोग आगे जाके विश्राम कर रहे हैं, चढ़ाई जो है खड़ी है। ये देखो भाई लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं और यहाँ पे सब विश्राम कर रहे हैं, थक गए सब। गए तो भैया का दाढ़ी बहुत बढ़ गया, संतु भाई बोल रहे हैं धारी वाला पत्थर देखो। रायपुर टाटी बन से काफी सारे लोग आ चुके हैं। एको डॉगी क्यों भग रहा भाई, फोटो ले रहा हूँ। इस यहाँ पे लिखा हुआ आगे फिसला भरा रास्ता है। हर हर महादेव, हमारे मित्र सुंदर सा डॉगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ से थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। संतु भाई कैसे चढ़ाई कर रहा भाई। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई है, फिसलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जगह जगह पे यहाँ पे लिख के रखे हुए जहाँ पे फिसलन है, सब देखते हुए आराम से धीरे धीरे होले होले चढ़ते हुए आपको जाना पड़ेगा शिशुपाल पर्वत के लिए। देखो भाई कैसे कैसे हम लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी रास्ता और बचा हुआ है। यहाँ पे देखो कुछ गुड़िया लोग भी आए हुए थे जो नीचे उतर रहे हैं। अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और संतु भाई लोग भी आ रहे हैं भाई। कुछ दूर चलने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे पत्थर देखने को मिलेगा, बड़े बड़े चट्टाने, पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। इस साइड जाना है किस साइड जाना है पता नहीं भाई, देखते हैं किस साइड से जाना है। यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पर मंदिर है तो यहीं से अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे है बजरंग बली जी का दरबार, तो आगे बढ़ते हैं दर्शन करके। लेकिन बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, पानी बोतल तो आपको लगेगा ही लगेगा, खाने पीने के भी सामान मैं आपको बार बार बता रहा हूँ लेके आइएगा। और कुछ भाई लोग तो एम्स में अभी पढ़ाई कर रहे, सामान बर्तन वर्तन लेके आए हुए हैं ऊपर में खाना बनाने के लिए। भाई सब मानना पड़ेगा, अधिकतर रायपुर से आ रहे हैं, भिलाई दुर्ग से आ रहे हैं। पूरे टेढ़े मेढ़े खड़ी खड़ी चढ़ाई है, पूरा पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पे थोड़ा सा खुला नजारा देखने को मिल रहा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बादल देखो यार क्या ही खूबसूरत दिख रहा है बादल। अभी अपने को और टॉप में जाने हैं, वो देखो पहाड़ 1 किलोमीटर बोला था, 1 से 1.5 किलोमीटर ज्यादा है भाई। इस तरह से मस्त बना हुआ है प्राकृतिक, में क्या है धूप थोड़ा सा कम आता है। ये बड़े बड़े यहाँ चट्टाने हैं इस, तो यहाँ पे ना काफी खड़ी चढ़ाई देख रहे हो, काफी बड़े बड़े पत्थर है, बहुत ही ज्यादा रिक्सी जगह है यार। देखने में ऐसा लगता नहीं है वीडियो वगैरह पे, लेकिन काफी रिक्सी जगह है। तो जब भी आते हैं संभल के आइएगा। देखो भाई लोग कैसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सांसे उतना नहीं फूला है, लेकिन चढ़ाई है काफी खड़ी चढ़ाई है भाई। और देखो अभी पहाड़ काफी ऊंचा में है, तो अभी साइड से अपन जाएंगे, देखते हैं कितना रिक्स है भाई। सब दिखाते हुए चल रहे हैं, देखो यहाँ पे काफी फिसलन है क्योंकि पानी बह रहा है इस साइड से। और अभी देख रहे हो कैसे अपन जाएंगे भाई साहब, साइड में पूरा फिसलन है। यहाँ से नजारे देखो यार, क्या शानदार से नजारे हैं, और पानी यहाँ पे बहते हुए। और ये पानी में पैर मत ही रखिए, कुछ ज्यादा सही रहेगा, लेकिन रखना ही पड़ेगा लग रहा है। जो पत्थर है ना काफी फिसलन वाला पत्थर है, और पानी भी बह रहा है। यही से आओ ना, इधर से हाथ पकड़ लेना तू। अरे ये देखो यहाँ पे क्या ग्रिप बन नहीं रहा है, फिसलन बहुत है। और ये दिखाता हूँ यहाँ पे तिरंगा लहराते हुए, ये पत्थर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी नज़ारे तो भाई अल्टीमेट नज़ारे हैं, काफी शानदार सा। तो अपने को यहाँ से जाने हैं, पूरा एक राउंड ले लिए भाई हम लोग पहाड़ के किनारे किनारे। और यहाँ से पहाड़ देखो आप लोग, ये जो पहाड़ है काफी दूर से दिखता है, बहुत प्यारा दृश्य है।
यहाँ से तो फोटो क्या ही गजब का आएगा भाई, एक नंबर। यहाँ से जो नज़ारे हैं काफी शानदार से नज़ारे हैं, यहाँ पे भाई लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। और अभी कितना दूर और बचा है मेन ऊंचाई के लिए, वहाँ टॉप में जाने हैं अपने को। भैया कहाँ चले जा रहे हैं, ये रिक्स लेते रहते हैं भैया, मौका नहीं छोड़ते ना, ऐसा वाला साला चैनल चल जाता है। सही बात है, यहाँ पे देख रहे हो पत्थर ही पत्थर है, इसके किनारे से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और चारों तरफ नजारे ही नजारे हैं भाई साहब। ओ भाई क्या नजारे हैं यार वाकई में। और इसके बाद में मैदान वाला इलाका देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वाटरफॉल शानदार जानदार, शिशुपाल पर्वत। और ये है झरना जो आप लोगों को मैं दूर से दिखला रहा था, अभी मैं पास से दिखला रहा हूँ। वाओ यार, मतलब कि क्या ही नज़ारे वो रखे हैं। और यहाँ पे पानी बहते हुए बढ़िया सा, पता नहीं दुकान है क्या है लेकिन कैंपिंग टाइप का दिख रहा है, वहाँ भी चलेंगे। मंदिर आगे साइड में है और पूरा ये मैदानी इलाका है और कुछ लोग वहाँ भी गए हुए हैं, देखते हैं समय रहेगा तो अपन चलेंगे। वहाँ पे टेंट भी लगा हुआ है भाई, तो यहाँ पे टेंट लगा के रखे हुए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं लोग। इस झरना को देखने के लिए यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से आप लोगों को वाटरफॉल दिखाने वाले हैं। और यहाँ से हम आए हुए हैं, ये देखो वाटरफॉल क्या बात है, एक नंबर। और इसके जो छींटे ना हल्के हल्के आ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। देख रहे हो चट्टानों के एकदम नज़दीक में हूँ मैं, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा। और वहाँ भी वाटरफॉल बन रहा है, जो ढाबा दिख रहा है यहाँ पे हम लोग नाश्ता किए हैं और वहीं पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वहीं से मैं आप लोगों को दिखला रहा था नज़ारा। और देखो कितने दूर पे हम आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर में, जिसे हम काफ़ी दूर से देख रहे थे उसके एकदम नज़दीक में ही हैं। तो देखो यहाँ से नज़ारे भाई, काफ़ी शानदार नज़ारे। और काफ़ी रिक्शी जगह पे खड़ा हूँ मैं, लेकिन फोटो लेना बनता भाई, यहाँ पे एक नंबर जगह है वाकई में यार, दिल खुश कर दिया जगह ने। गाइस तो अब ये जगह आप लोगों को मैंने दिखला दी, यहाँ पे बहुत सारे जगह हैं। तो अभी हम रिटर्न होते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाना होता है। मैदानी इलाका हो गया ये सब बने हुए हैं और लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं इस साइड से, झोपड़पट्टी जैसा बना है। अच्छा यहाँ पे दुकान खोल के रखे हुए हैं और यहाँ पे लोग क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं हम लोग। ये देखो भाई इतने सारे ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। मंदिर किस साइड है, मंदिर मंदिर पता नहीं हम लोग को, ये बहुत ज्यादा फिसलन है फिर भी, लेकिन फिसल नहीं रहे, फिर भी फिसल नहीं रहे लोग, सही बात है। सब मैगी बना रहे हैं और ये क्या बन रहा भैया, भजिया बनेगा। अच्छा भजिया, तो ये सब सुविधा है, सब मिल जाएगा, ऑमलेट ऑमलेट मिल जाएगा, उबला हुआ अंडा मिल जाएगा। अभी ऊपर टॉप में आप लोगों को खाने पीने की दुकान मिल जाएंगे अगर आप लोग नहीं लेके आते हैं तो, व्यवस्था है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सब भाई चूल्हा उल्हा बना के रखे हुए हैं, खाना वाना बनाते हैं, डिस्पोजर पत्ता पॉलिथीन सब पड़ा हुआ है। बड़ी यहाँ से नज़ारा देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा देखने की कोशिश करते हैं हम। हल्का हल्का पानी बह रहा है इस साइड से और मस्त सुंदर सा वाटरफॉल बन रहा है। एक बारी मैं इस साइड से ऐसा दिखाऊं तो भाई लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं यार, एकदम रिक्शी जगह पे। और यहाँ पे पानी बहते हुए जा रही है, जो वाटरफॉल बन रहा है पता नहीं कहाँ से रिश्ते हुए पानी आ रही है भाई साहब। आगे में तो पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल रहा है और ये वाटरफॉल तो आप लोगों को मैं दूर से दिखलाया था। यहाँ से नज़ारा देखो भाई वाटरफॉल का, क्या शानदार सा दिख रहा है। चट्टाने देख रहे हो भाई, अलग से दिख रहा है भाई, ये एकदम खड़ा हुआ। और मौसम देख रहे हो, धूप छाँव हो रहा है, क्या मस्त दिख रहा है। यहाँ पे धूप है और इस साइड में छाँव है और ये वाटरफॉल। फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ इस जगह पे और वाकई में यार एक नंबर जगह है। इसी वजह से वीडियो क्या है थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि पूरा प्रॉपर आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे आप क्या क्या घूम सकते हैं देख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे पीछे साइड में चट्टाने, पहाड़ के ऊपर में पहाड़। भैया हमें आगे लेके जा रहे हैं नया कुछ नज़ारा दिखाने के लिए और हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे स्नान करेंगे क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी कम है और पानी भी अच्छा खासा साफ है मस्त बहते हुए। हमें विकास भैया यहाँ तक लेके आए हैं, विकास भैया जो है पूरा भ्रमण कर चुके हैं और यहाँ से नज़ारा देखेंगे दिखाएंगे। तो यहाँ से नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो पहाड़ है ना इसको मैं दूर से दिखला रहा था, ये भाई काफ़ी अलग है ये देखो। और यहाँ से वाटरफॉल यार क्या मौसम दिख रहा है, ये देख रहे हो वाटरफॉल क्या गजब का दिख रहा है।
रास्ता है तहरीन, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। नीचे उतरने का कोई साधन नहीं है, नीचे उतरने का साधन होता तो भाई लोग नजर आते। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा ये दृश्य है, अगर आप कभी नहीं आए हैं तो बिल्कुल मैं बोलूंगा आइए, लेकिन वही है ट्रैकिंग करना पड़ेगा आप लोगों को कम से कम एक घंटा मान के चलिए, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद तो ये नजारे भाई क्या ही कहने हैं। ये देखो गाइस पानी बहते हुए आ रही है, आगे में देखते हैं झरना है कि नहीं है। कुछ लोग तो यहीं पे स्नान कर रहे हैं, पानी भाई आगे से आ रहा है तो जहाँ तक लग रहा है कि वाटरफॉल होगा, तो हम लोग वहाँ से होते हुए आए हैं और ये पहाड़ देखने को मिलेगा उसके किनारे में पानी बहते हुए। तो हम झरने की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, सब खाना पीना खा के भाई पूरा गन मचा रखे है, अब स्नान कर सकते हैं आप। पानी की जो आवाज है भाई मस्त आ रही है, बहुत प्यारा पानी, अच्छा खासा साफ भी है और पूरा प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को पूरा व्यू नज़ारा सब दिखा रहे हैं भाई। वैसे तो पानी यहाँ से रिसते हुए आ रहा है और हमने सोचे कि पास में ही होगा करके, लेकिन यहाँ पे फिर से पहाड़ चढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं कर रहा अब जाने का। गाइस तो हमारा वीडियो हो गया है यहाँ पे समाप्त, काफी बड़ी वीडियो बन चुकी है और अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए हैं तो बिल्कुल आइएगा, मेरा भी फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा मुझे। बाय रूट आप लोगों को मैं नहीं बता पाया क्योंकि हम लोग कार से निकले हुए थे रात के 1 बजे के आसपास। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग पे।